बढ़ते हुए आए बॉलर बाल की और इस बॉल को एक मरतबा फिर एक और वाइट, ऊपर नीचे दो वाइट करवा चुके हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बॉलर जो कि काफी पुरजोश लग रहे हैं। आए बाल की और दो दिन का बाल थी, बाल रुकने के लगने के बाद थोड़ी सी स्लो हुई और अच्छा बाउंस। एक मिनट, दो ओवर के इख्तिताम पे 28 स्कोर हो चुके हैं 28। दो ओवर में 28 स्कोर हो चुके हैं। एजुकेशन विकेट कोई नहीं है, दोनों बैट्समैन विकेट पे मौजूद हैं। फाजिल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जरूरत है कि वो अर्ली विकेट्स हासिल करें। दौड़ते हुए आए बॉलर बाल की और एक मरतबा फुल टॉस बॉल थी और इसको उठा के खेला उन्होंने लेफ्ट जानम और एक और खूबसूरत छक्का, चार छक्के और एक चौका फाजिल लगा चुके हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और काफी उम्दा फॉर्म में लग रहे हैं फाजिल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एक मतलब फिर बॉलर दौड़ते हुए आए बॉल की और एक और छक्का, क्या एक मतलब फिर बाउंड्री लाइन से बाहर जाके गिरी, दो ऊपर नीचे फुल टॉस और दो छक्के। वो बॉलर को कोई भी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और हर बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा रहे हैं। एक मतलब फिर बॉलर आए बॉल की और वाइट बॉल, अच्छी बॉल करवानी होगी उन्हें और स्कोर को रोकना होगा। दो छक्के और एक वाइड के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 41 हो चुका है, 41 विदाउट एनी लॉस के। कोई विकेट अभी तक उन्होंने नहीं खोई, बॉलर ने अपना एम चेंज किया है। आए बॉल की और इस मरतबा अच्छी बॉल थी और एक रन उन्होंने कम मिस फील्ड लोन और अंपायर का इशारा गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है। चार रन, स्कोर बढ़ता हुआ 45 हो चुका है, दो छक्के एक वाइड और एक चौका इस ओवर में लग चुका है 45। एक रन बनाने का मौका था, एक रन बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट किया बैट्समैन फाजिल ने जो कि काफी उम्दा फॉर्म में लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और मेरे स्कोर बढ़ता हुआ 46 हो चुका है। साजिद मुगल टीएमए से स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनको खुश उम्मीद करते हैं, बहुत ही उम्दा तरीके से स्कोर को फ्लिप किया है और दो रन बनाने का मौका था, दो रन बनाए और आसिम ने खाता खोला है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के आसिम ने दो स्कोर बनाए हैं, अपना खाता खोला है और बहुत ही उनका स्लो डिलीवरी इस बॉल को लेफ्ट खेलने गए और बैट को मिस किया बॉल ने और बोल्ड हो गए। बहुत ही उनका विकेट हासिल की है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और तीन ओवर के अख्ताम पे 47 स्कोर हो चुका है 47। एक मरतबा फिर आपको बताते चलेंगे तीन ओवर के अख्ताम पे 47 स्कोर और एक खिलाड़ी अभी अभी आउट होकर वापस किए हैं नए आने वाले बैट्समैन। नए आने वाले बैट्समैन सोलेमान ये लखाला के स्कूल में टीचर हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और बड़े अच्छे माशाल्लाह से टीचर भी हैं।
एक मतलब फिर बालर आए बाल की स्लो बाल की और कार को एक मतलब फिर उन्होंने खूबसूरत तकरीबन स्वीप आप कह सकते हैं किया और गेंद बॉडी लाइन पार करके लिए सिक्स रन। स्कोर घटता चढ़ता 53 तक पहुंच चुका है और इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम बैटिंग कर रही है। अंजुमन पटवार जी की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आए एक स्लो बॉल और इसका उमदा चार छह किया बहुत ही ऊंचा शानदार छह स्कोर बहुत ही उमदा बैटिंग का मुजाहरा किया जा रहा है फजल की तरफ से। फजल ऐसे गेंद को देखते हैं जैसे सरकारी मुलाजम अपनी तनख्वाह को देखता है। आए बॉलिंग करने के लिए इसे स्लो बॉल की और अंपायर का सारा वाइट बॉल एम्पायर की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है। वाइट बॉल तब देते हैं जब सबको पता चल चुका होता है कि ये वाइट बॉल है। दोबारा आए गेंद करने के लिए फाजिल खेलने के लिए तैयार एक मरतबा फिर अंपायर स्लो मोशन में वाइट देते हैं। बहुत अच्छी अंपायरिंग हो रही है काफी अच्छे और तजर्बेकार अंपायर हैं पीसीबी के अंपायर हैं। अभी अभी हमें पता चला है बॉलर आए बॉल की और इस मैच में बॉल को खेलने कहते थे बॉल ऑफ स्टंप से होती है विकेट कीपर के हाथों में गई और विकेट कीपर ने बड़ी खूबसूरती से इस बॉल को पकड़ लिया कोई स्कोर नहीं हुआ। स्कोर हम ओवर के इख्तिताम पे आपको बताते चलेंगे। दोबारा आए बॉलिंग करने के लिए गाना नवीद रसूल की तरह स्लो बॉल खेलते हैं बड़ी टीम रखते हैं आए बॉल की और एक स्लो बॉल खेलते एक रन बनाने में कामयाब हुए। बहुत और अंपायर का इशारा मुझे फिर वाइट हमने आगे ला के अंपायर को कहा कि हम आपके इशारे को समझ गए हैं और वाइट बार का इशारा पीसीबी के इंटरनेशनल अंपायर हैं बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं। आए बाल की और इस मरता बाल को उठा के खेलने चाहते थे बाल विकेट कीपर के हाथों में गई कोई स्कोर नहीं बना। अंपायर स्टीव बकनर की खिदमत को हम खराजे तस्वीर पेश करते हैं। अब जो है वो दोबारा अपने स्टार्टअप पर बॉलर पहुंचे हैं शेब अख्तर जैसा स्टार्ट लेते हैं लेकिन बॉल रनर नवीद रसूल जैसे करवाते हैं। टीचर खेलने के लिए तैयार क्या टीचर की इज्जत की जाएगी कि नहीं लेकिन टीचर जो है वो स्कूल का बच्चा समझ कर जो है और अंपायर का ये इशारा है वाइट बॉल पाँच मिनटियाँ खोल के अंपायर साहब ने वाइट का इशारा दिया है। दौड़ते हुए आए बहुत ही स्लो मोशन में देखते हैं क्या गोल खिलाती है बॉल और ये एक अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की आप देखते हैं कैच आउट होता है गेंद की गेंद के नीचे और ये आसान बॉल ड्रॉप कर दी बिल्कुल आसान कैच था ड्रॉप कर दिया लेकिन उम्मीद पर कायम है ये पूरा मैच देखते क्या होता है आगे स्कोर फटा फटा और बिजली चली गई है नहीं गई है सॉरी आए बाल की और इस बाल को उठाकर खेलना चाहते थे बाल स्लो थी और गेंद के कीपर के महफूज हाथों में ओवर की समाप्ति पे हम आपको बताते हैं 66 स्कोर चार ओवर के इख्तिताम पे 66 स्कोर हो चुका है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट बॉलिंग कर रही है और बैटिंग कर रहे हैं लाइन पे खड़े हैं उन्होंने बैट्समैन का जायजा लिया दौड़ते हुए आए बॉल की और एक मतलब ये काफ़ी अच्छी बॉल थी बहुत ही स्लो बॉल थी और एक अच्छी बॉल थी और इसको फील्ड किया कीपर कीपर के मैं फूल आता हूँ भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बल्ब होते हुए बॉल की बहुत खूबसूरत बॉल थी और इस मतलब अंपायर का इशारा वाइट बॉल और ये एक अच्छा शॉट खेला और इतनी उनका फीलिंग हुई दो रन बनाने में देखिए कामयाब होते हैं या नहीं
आसानी से दो रन बना सकते थे। आप ओवर के ऊपर बनाने के लिए रन आउट करना चाहते हैं। आप देखते हैं अंपायर का इशारा और अंपायर का इशारा नॉट आउट। अंपायर बड़े इनहमाक से देख रहे थे, यकीनन उनका तजर्बा दुरुस्त कहता हूँ। 4.3 ओवर हो चुके हैं, बॉलर आए बॉल करने के लिए और एक क्या शानदार शॉट खेला है, अपने हाथों की स्लिप से खेला है और गेंद चिट्ठी के पीछे रास्ते जा। बहुत ही उम्दा शॉट फॉर्मिंग का, वो मुसलसल लहर में लग रहे हैं, मुसलसल फॉर्म में लग रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम को अकेले ही चला रहे हैं और छक्कों पर छक्के लगाए जा रहे हैं, छक्कों के लिए बरसात कर रहे हैं। वो बॉलर आए बॉल की और इस मतलब फिर उठाकर खेला और एक और छक्का, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और बॉल नेट पे बहुत दूर जाकर गिरी है और एक और खूबसूरत छक्का। एक मतलब फिर बॉलर अपने बॉलिंग एंड पे मौजूद है, दौड़ते हुए आए बॉल की और एक बॉल नीचे रही और इस वजह से रन बनाने का मौका नहीं मिला। खूबसूरत बॉल थी, दो छक्के खाने के बाद उन्होंने अपनी लाइन को दुरुस्त किया और अच्छा कमबैक किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बॉलर। एक मतलब फिर अंपायर को क्रॉस किया, आए बॉल की और उठा कर फिर फाजल ने एक मतलब फिर गेंद बाउंड्री से बाहर जाके गिरी, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था और एक और छक्का फाजिल का। 5 ओवर के इख्तिताम पे 88 स्कोर बन चुका है एजुकेशन डिपार्टमेंट 80। फाजिल बैटिंग कर रहे हैं, 73 स्कोर पे बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और अंपायर ने बॉल को वाइड करार दे दिया। बॉलर आए बॉल की, बहुत ही खूबसूरत बॉल थी और बॉल आउट कर दिया। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया है बॉलिंग इनकी की जानिब से और स्कोर पता चढ़ता इनके आखिरी एक ओवर में ये कितने स्कोर बना पाते हैं। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, तीसरी गेंद बनाने के लिए आए बॉल की और एक अच्छी बॉल की है, स्पिन करने में कामयाब रहे हैं, काफी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। ये आखिरी ओवर काफी अच्छा अभी कर रहा है ओवरऑल। एक मरतबा फिर बॉलर अपने बॉलिंग लाइन पे मुझे तरंग स्टाइल से बॉलिंग करवा रहे हैं, आए बॉल की, ये एक अच्छी बॉल थी और इस बॉल पे रन आउट और वाइट अंपायर का इशारा, ये वाइट बॉल था। अच्छी लय उनका हर तरीके से जितनी तारीफ की जाए मुकाम है, आए बॉल की और तो अच्छी बॉल थी, वाइट बॉल का दे दिया अंपायर ने। आसिम फजल अगर मजीद 4 बॉलें खेलने में कामयाब होते हैं तो ये बैट कैरी करेंगे। और एक नीची बॉल थी और शानदार स्ट्रोक खेला, ग्राउंड शॉट खेला है, 4 स्कोर बनाने में कामयाब हुए हैं। बाउंड्री का जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को एक आंख मारी और जाने दिया। बॉल इस बार नीचे रही लेकिन इस बॉल को काफी देख के खेला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई थी 4 रन और एक मरतबा अब कुछ थके थके से लग रहे हैं फाजिल। उन्होंने 77 स्कोर बना लिए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और अभी भी इस ओवर की 2 बॉलें बाकी हैं। आए बॉल की और क्या शानदार शॉट, बहुत ही जबरदस्त 6 रन की और उनका स्कोर इंफ्रादी स्कोर बढ़ता हुआ 83 हो गया है। बहुत ही अच्छी बैटिंग की है फाजिल ने, इस बॉल को भी उठा कर उन्होंने बाउंड्री से बाहर फेंका है। वाइट बॉल और साथ में रन आउट, एक रन कंप्लीट किया था दूसरे रन के लिए, दो तो आउट हो गए। मैच की आखिरी गेंद आगे जो है फेस करेंगे, आए बॉल की और
एक और छक्का। आखिरी बार जब उन्होंने और खूबसूरत छक्का लगा के गेंद को बॉर्डर लाइन से बाहर करेंगे। सामना कर रहे हैं आसिम बॉलर एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए, बॉल की बहुत ही उम्दा बॉल थी, काफी अच्छी स्पीड भी नजर आ रही है, काफी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है और उसमें तो बॉल को स्टिक रन देना और दो रन बनाने का मौका था। एक ही रन पर इत्तेफाक किया है, अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर विकेट बाकी रही तो स्कोर बन जाएगा। दोबारा बॉलिंग में उनके बॉलर अपने स्टार्ट पॉइंट पर पहले ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट को क्रॉस किया, बॉल की और अच्छी बॉल की है, बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, अंपायर रन बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इस बॉल का दाग ना देना जैसी होगी, बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। काफी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है, अच्छी बॉल, बॉल बाउंड्री लाइन पर आने दी लेकिन फील्डर ने अच्छा फील्ड किया और बाय का एक स्कोर मिला। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से किसी एक बंदे को आसिम फजल वाली बैटिंग करनी पड़ेगी। एक और बहुत ही उम्दा बॉल रखी हुई है बॉलर ने, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, शायद तीन वाले और दो स्कोर हो चुके हैं। हम अपने नाजरीन को भी बताते चले, यहाँ पे काफी अच्छा मैच देखने को मिला, तीन वाले दो स्कोर, काफी अच्छी बैटिंग की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, 109 स्कोर बनाए हैं, 110 रन का आदेश दिया है। एक ही रन पे इत्तेफाक किया उन्होंने, बहुत उम्दा बैटिंग देखने को अभी तक नहीं मिल रही, बड़ी डिफेंसिव बैटिंग की जा रही है जो कि एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। आए बंदो क्रॉस किया बॉल की और बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। पांच बॉलों पे तीन स्कोर बन चुके हैं, अभी तक कोई नबी दुलू बैटिंग देखने को नहीं मिली, उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ डिपार्टमेंट वालों को अपने हाथों को खोलना होगा। स्लो आते हैं लेकिन बॉल फास्ट करवाते हैं, देखिए इस बार क्या गोल खिलाते हैं, अलाउ कर दिया, क्या शानदार गोल खिलाया, मिडल स्टंप पे बॉल लगी और इस मरतबा तीन बॉल हो गए बैट्समैन, बॉल को छक्का लगाने गए थे और मिस हुई और इस मरतबा तीन बॉल हो गए। अब 30 बॉलों पर 104 रन की एक ओवर में सिर्फ और सिर्फ तीन स्कोर बने हैं, एक मतलब फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का पालर बालन एम एम रवि काफी दूर से दौड़ते हुए आए अंपायर के पास, बॉल की और एक और उम्दा बॉल थी, अंपायर का शारीर योजना का अंपायर ने बॉल को वाइड करार दे दिया। बॉल में काफी तेज है, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल की है, हमारे जो है टीम ने ये कहा है बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा अभी तक किया जा रहा है, बड़ी फास्ट बॉलर रखी हुई है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम है उनकी तरफ से एक बंदे को खुल कर खेलना होगा क्योंकि एवरेज स्कोर की पट्टी जा रही है। आए हर जो क्रॉस किया बॉल की और शानदार बॉल थी, स्कोर बनाने में नाकाम हुए हैं, मैच टाचर के बाद और सीधी की पट्टी से खेल एक अच्छी ऑलराउंड टीम है एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की, अच्छी बैटिंग के बाद बॉलिंग भी काफी नबी दिल्ली देखने को मिल रही है, बहुत ही उम्दा बॉलिंग करवा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, बॉलर रमीज दौड़ते हुए आए अंपायर के पास गुजरे बॉल की और एक और उम्दा बॉल, बॉल का एक स्कोर बनाने में कामयाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम। लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम को कोच ने कहा है कि यार्कर के अलावा कोई बॉल नहीं कराएगी भैया, कदम पीछे सर, यार्कर करवाते जा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, काफी बड़ा उनका रन आप दौड़ते हुए आए अंपायर के पास से गुजरे बॉल की और एक और उनका बॉल थी और लेग बाय का एक स्कोर इस मतलब फिर मिला है बैटिंग साइड को।
अंपायर का इशारा के लग भाई का स्कोर नहीं है, इसलिए ये काउंट नहीं हो। स्कोर रुकता रुकता पांच। आई बॉल अंपायर क्रॉस किया फाउल की और एक अच्छी बॉल है, इसको शॉट करने में कामयाब हुए हैं मैच की राजमान सकेगा और लोगों को करने का चांस है और एक ओवर में और लोगों का स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। स्कोर बढ़ता चलता साफ ओवर की आखिरी गेंद कराने के लिए आए, बहुत ही शानदार अभी तक बने ओवर अंपायर का सारा चार पा लीजिए। सेकंड लास्ट बॉल है और बॉल की और एक अच्छा बाउंस करने की कोशिश की, बहुत जिंदा बॉल थी। एक बॉल इस ओवर की बाकी है, इस पर कौन ने बॉल को थोड़ा सा दूर पिच किया और बॉल बाउंस लेके कीपर के महफूज हाथों में चली गई। बहुत ही उमदा बॉलिंग करवा रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम। आए बॉल की और बड़ा उमदा खूबसूरत यॉर्कर देखने को मिला, गेंद सीधी मिडिल स्टंप पे लगी और एक और यॉर्कर एक और बॉल। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, दो दो ओवर हो चुके हैं, दो विकेट गिर चुकी है और स्कोर मैच सात। अंपायर के पास ये गुजरे बॉल को भाई और ये पहला छक्का रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से पहला छक्का देखने को मिला। ये तनवीर भाई ने छक्का लगाया है, तनवीर भाई बहुत ही उमदा बैटिंग, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को तारीफ जाने का मौका दिया कॉल करने के लिए। देखे इसमें तो क्या होता है और शायद के लिए कमरा भी है क्या ये चौका होता है या नहीं, अंपायर का इशारा चार तीन बारों पे दस स्कोर बना चुके हैं तंदूर भाई जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की उम्मीदें जगाते हुए। जनाब तमीर साहब जो सुहेल तमीर की हम शक्ल लगते हैं, देखें कि आज क्या खेल खिलाते हैं। स्टैंड से दौड़ते हुए है बॉल की और टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर है अमन के डायरेक्टर साहब को ग्राउंड में खुश अनुभव करते हैं और इस मतलब एक और उमदा स्ट्रोक और इस मतलब बॉडी लाइन के बाहर जाकर बड़ी छक्का देखने को मिला है। अभी ये तीसरा ओवर बहुत अच्छा जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, दो छक्के और एक चौके की मदद से 14 रन बना चुके हैं इस ओवर में। जी डेवलपमेंट पार्टी के फरहान शनवारी साहब आए हुए हैं अमन को ग्राउंड में खुश हम देख सकते हैं। आए बॉलिंग करने के लिए बार को क्रॉस किया बॉल की और अच्छी बॉल की है, बहुत ही उमदा बॉल थी मुकार वर्जन की और बॉल कीपर के हाथों में गई, कोई स्कोर बनाने का मौका नहीं था और कोई स्कोर भी नहीं बना। एक ओवर में मजमू तौर पे 18 रन बने हैं, चार स्कोर दूसरे ओवर में बने थे, तीन स्कोर तीसरे ओवर बने थे, तो तीन ओवरों के अख्ताम पे स्कोर बन चुका है 25 रन। शायद अपने बारिश साइड में मौजूद है एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, काफी अच्छा रन अप है उनका, देखते हुए आए बाल की और काफी उम्र बाल थी और इस बाल को खेलना चाहते हुए छक्का लगाने के लिए नाकाम हुए और गैस की फील्ड कीपर ने इस बाल को पकड़ लिया और कोई स्कोर नहीं बना। 17 गेंदों पर 85 रन चाहिए तो आपको तकरीबन किसी गेंद पर छक्का लगाना होगा। बहुत ही शानदार पहली बॉल कराई है लाहौर कलंदर के दिलबार हुसैन की तरह इनका एक्शन है, देखें ये बॉल दूसरी बॉल कराने के लिए आए बॉल की और बहुत ही एक डिफेंसिव था और अच्छी चार अच्छी कोशिश की है फील्डर ने गेंद को फील करने की, डाइव में उन्होंने लगाई है लेकिन थोड़ी से दूर जाके गिरे हैं बाल उनके पीछे रह गए थी। बिलियार्ड डेवलपमेंट पार्टी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज
कराने में अपना रोल प्ले कर रही है आए बाल की और अस्मर्थमा बाल को खेला है एक लगा गेंदेज और इस बाल पे एक ही रन बनाने का मौका था एक ही रन मिला। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम को एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली टीम मुसलसल अच्छी बॉलिंग और नपीकुली बॉलिंग करने में मसरूफ लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जितने दिलचस्पी रखते हैं अपना रन रेट फेवर करने में दिलचस्पी रखते हैं इसी वजह से वो बड़े शॉट खेलने की कोशिश नहीं कर रहे और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छे शॉट खेले बहुत ही अच्छे छक्के लगाए थे फातिल ने और उसके बाद उनके बॉलर वकार रमीज शाहिद सब ने नपीकुली बॉलिंग की है। एक मरतबा फिर बॉलर आए बॉल करवाई अपने बल्ले पर पहले घुमा दिया मैंने बॉल बाद में आई और इस वजह से कोई रन नहीं बना सके बैट्समैन। एक मरतबा फिर बॉलर अपने बॉलिंग स्टैंड की तरफ बढ़ते हुए बॉलर शाहिद अपने कर्तव्य पर फिर फायदा उठाते हुए वसीम फजल डी एस ओ ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं हम उनको ग्राउंड में खुश अमदीद कहते हैं। बहुत ही बॉल थी लगने के बाद बॉल नीचे रही और इस वजह से गेंद सीधे विकेट में लगी और आउट हो गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तीसरी विकेट भी गिर गई है और अब उनके लिए कोई खास उम्मीद बाकी नहीं रही है जहनी तौर पर वो इस मैच से बाहर हो चुके हैं लेकिन बज़ाहिर वो इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए कि आए शायद बॉलिंग करने के लिए देखिए क्या होता है अंपायर का इशारा अब उनको नंबर स्टार्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैच के आदमी आए फिर भी उनकी प्रोफेशनलिज्म देखिए कितना नंबर स्टार्ट लेते हैं आए बॉल की और आपका शार्ट के मैच कर रखे लिए और बॉल करने के बाद क्या नहीं है पीछे को धोखा दे देंगे थर्टी थ्री स्कोर हो चुका है 33 चार ओवर के नाम पे और रुकता 33 दो ओवर का खेल बाकी है आए बॉलिंग करने के लिए बॉल की और क्या शानदार बॉल की है और ओवर की एक गेंद ले गया 5.1 तनवीर जो है वो बैटिंग करने के लिए सामना करेंगे वकार का वकार आए बॉल की और एक शानदार बॉलिंग किया बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। अब 10 गेंदों पर बहुत ज्यादा स्कोर चाहिए कम से कम 70 स्कोर चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बॉलिंग कर रहे हैं बहुत दिन में बैटिंग की बैटिंग के बाद उन्होंने बॉलिंग भी उतनी नबीगुली की बहुत मजा आ रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम को देख के सिर्फ पढ़ाते नहीं है बल्कि खेल और तफरी भी वो प्रोवाइड करते हैं और हर तरह से बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं। इस बॉल को फिर एक नजर रखूंगा और बात होगी कि बॉल दो बॉलों का खेल बाकी है और बहुत ज़्यादा स्कोर चाहिए अब हमने वो जितना भी छोड़ दिया इतना ज़्यादा स्कोर चाहिए जाहिर नामुमकिन लगता है लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए कुछ भी नहीं पाया जाता। बहुत उम्दा बॉलिंग बहुत उम्दा बॉलिंग देखने को मिल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट से बॉल की और कई मतलब लूज बॉल खेल के आज लूज बॉल को अच्छा खेला है तमीर ने अभी तक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से स्कोर बने वो सारे का सारा जनाब तमीर हुसैन पट्टी ने बनाया है जो कि पटवारी है और उन्होंने दो चुके दो चौके की मदद से 25 स्कोर अभी तक बना चुके हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अकेली जो है वो उम्मीद इस वक्त ग्राउंड पर खड़े 8 गेंदों पर 8 जितना स्कोर चाहिए बता रहा है बॉलिंग करने के लिए फायर को क्रॉस किया बैट्समैन को क्रॉस किया विकेट को क्रॉस किया बॉल की एक अच्छी बॉल समाज चैनल के नुमाइंदे आतिफ कयूम को हम ग्राउंड में वेलकम कहते हैं आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को हम ग्राउंड में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों की तशरीफ आफरी का बहुत शुक्रिया बड़ा समय चल रहा है अपने मोबाइल की तरफ जो मैच चल रहा है तकरीबन सब जानते हैं इस मैच की बाकी है उसके बाद आपको क्या मैच देखने को मिलेगा आए तंदीर और बॉल की और इस मतलब बॉल करना चाहते थे बॉल मिस हुआ और ये बॉल कीपर के हाथ में काफी है कि यहां वही टीम है
का स्कोर करने में कामयाब होगी जो जाकर को अच्छे से खेल सकेगी। बॉलर अपने बॉलिंग एंड पर आए धीरे धीरे भागते हुए माइक्रो क्रॉस किया बॉल की और अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर का हाथ खोलकर इशारा किए वाइट बॉल वाइट बॉल थी। इस बॉल को अंपायर ने वाइट बॉल करार दे दिया। बहुत उम्दा बॉलिंग का नजारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर इस बॉल में चार नौ बॉल फेंकी जाए तीन स्लीव पर छक्के लगे और बाकी पांच जनों बच्चों के तो मैच बन सकता है। एक अच्छी बॉल की है मुझे साथ देनी पड़ेगी बैट्समैन इस रनिंग पर और ये आउट हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ आउट हुए हैं बड़े शानदार तरीके से। बजाय जो है वो गेंद मार चुके हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम। देखिए कि अब उनकी उम्मीदों का सहारा देने के लिए तनवीर साहब ग्राउंड पर मौजूद है वो क्या करते हैं। वाइड बॉल पर रन आउट हो गए बैट्समैन इस बॉल को मारने अधीर भाई जान बॉलिंग कर रहे हैं। अब उनका बॉलिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये अच्छा अच्छा ग्राउंड शॉट खेला है कबीर साहब ने। उनकी चौथा चौथा उनकी इनिंग का इसका मतलब है कि वो अच्छे टेस्ट ले रहे हैं वो गलत टीम में आ गए। हर तरह से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने पद भी मारे हैं लोग भी खेला है और एक दो छक्के भी उनको बैट की तरफ से देखने को मिले हैं। बॉलिंग में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो जान किसानी से इस धूप में भागते हैं साथ साथ मशरा भी कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे एक बॉलों को दो स्कोर चाहिए वो मशरा ऐसे कर रहे हैं। बॉल की बहुत उम्र बॉल थी इस बॉल को खेलने का नाकाम हुआ और गेंद उनकी टांगों से टकराई कोई स्कोर नहीं बना। शानदार स्पोर्ट्स में स्पिरिट का मुजाहरा किया जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। उनको पता भी हम मैच नहीं जीत सकते फिर भी आखिरी जब तक मैदान में डटे हुए हैं। आए बॉल करने के लिए अभी अपार्दो क्रॉस किया बॉल की और जाकर मारा और लेकिन तमीर साहब इसको भी खेलने में कामयाब हो गए हैं। बाहर बचा दिया छक्का अंदर का इशारा साफ सिग्नल था ये सिक्स हुआ है और इस मैच की दो बॉल बाकी हैं। तमीर भाई जान इस बात पर भी छक्का लगा सकते हैं। आए बॉल की और अंपायर का इशारा वाइड बॉल आखिरी ओवर कोई ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है अभी तक इसमें 12 स्कोर बन चुके हैं टीम में दो वाइडे एक छक्का और एक चौका। तनवीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आखिरी खुशी बचाने के लिए तैयार और क्या शानदार शॉट खेला है लेकिन और बॉल एक बार फिर टर्न हुई है तनवीर भाई जान बॉल ऐसी खेलते हैं कि ये टर्न होती है पता नहीं अगर ये बॉलिंग करते तो कैसी बॉल होती थी। अच्छा मैच देखने को मिला और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दो मैचों में आउट क्लास किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम को। तनवीर स्क्वायर कैट में मलका रखते हैं बॉलिंग करने के लिए यदि बॉल की और इसको भी उन्होंने स्ट्रेट खेल दिया कोई फील्डर नहीं है और ये बहुत ही एक अजीब बात है कि कोई फील्डर जो है वो स्ट्रेट में मौजूद नहीं था। तनवीर अपना छठा चौका लगाने में कामयाब। तनवीर भाईजान ने 45 स्क्वायर बनाए और नॉट आउट रहे। दोनों टीमों के कैप्टन से गुजारिश नेक्स्ट जो अभी मैच हो रहा है जीडीए के कैप्टन और फाइनेंस डिपार्टमेंट के कैप्टन पिच में तशरीफ ले आए टास्क किया जा सके। अंपायर से गुजारिश अगले मैच पे टास्क करवा दें। डायरेक्टर जनरल जीडीए रजा अमीन इस वक्त पिच में मौजूद फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने कैप्टन को भेजे ताकि टास्क करके जल्द अज जल्द मैच शुरू किया जा सके। सदाकत कैप्टन।